सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आप समर्थक और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे वाक्य को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों में काफी गुस्सा है और वे इसका जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने इसे गंदी राजनीति करार दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में राजनीति जंग शुरू होती नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने कई ऐसे सवाल किए जिस पर मनीष सिसोदिया टाल मटोल जवाब दे रहे थे। और दूसरी बात बता दूं आपको कि शराब नीति घोटाले में एक आईएएस से सीबीआई ने पूछताछ की और आईएएस ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया। आईएएस और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साफ साफ मनीष सिसोदिया और उन पर 15 और लोगों को अन्य लोगों पर 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और घोटालों का आरोप लगाया था। तकरीबन ये हज़ारों करोड़ का घोटाला था। इसमें सीबीआई लगातार जांच करी थी। उसके बाद कल मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। 8 घंटे खड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए, उनके जवाब में कई ऐसे खुलासे हुए जिस पर सीबीआई को पूरी तरह से शक था। और फिलहाल शक होने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया है। उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे बड़े पदाधिकारी हों। वहीं सीएम केजरीवाल का साफ साफ ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को बेहतर शिक्षा करने की सज़ा मिली है और ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है, इस वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। वहीं दूसरी बात बता दूँ, भाजपा का साफ साफ कहना है कि भाजपा के बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा, उनका साफ साफ ये कहना है कि 3 लोग आम आदमी पार्टी से जेल जाना उनका तय जो है। एक थे सत्येंद्र जैन, दूसरे मनीष सिसोदिया, तीसरे अरविंद केजरीवाल। अब केजरीवाल का नंबर है, बाकी 2 लोग तो फिलहाल जेल में हैं। और आज इसके एवज में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चंडीगढ़ में बहुत ही विशाल प्रदर्शन करेंगे, भाजपा के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब देखना, ये भी दिलचस्प होता है मयूरी, एक तरफ की एक डिप्टी सीएम का शराब नीति घोटाले में जेल जाना बहुत बड़ी बात साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ओछी राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया दिखा रही है। जी सागर, मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश होंगे, आगे का क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया पेश होंगे और उस पर जो सीबीआई है वो उस पर रिमांड मांगेगी। जाहिर सी बात है, इसमें क्योंकि कोरोना काल में शराब जो व्यापारी हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तकरीबन इसमें सरकारी खजाने में 144 करोड़ का घाटा हुआ था और इसमें तकरीबन जो केजरीवाल सरकार है उसने 22% टैक्स माफ़ किया था। इस वजह से सबसे बड़ा घोटाला ये है और इसके एवज में 10,000 करोड़ की बात कही जा रही थी। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस को और सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो वहीं इस पर टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कहा था कि जब कुछ होगा तो ही कुछ मिलेगा। भाजपा केवल आरोप लगाना जानती है, गलत तथ्य के आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प होता है। बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम का जेल जाना, वहीं दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल का लगातार बयानबाजी करना कि ये पूरी तरह से उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके बाद इस घटनाक्रम के बाद मनीष सिसोदिया के घर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचे थे उन्हें सांत्वना देने, उनके परिवार को सांत्वना देने, और साफ साफ उनका ये बयान आया है कि ये पूरी तरह से इन्हें षड्यंत्र के तौर पर फंसाया जा रहा है। जी सागर, लगातार विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि सीबीआई भाजपा का हाथ का तोता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हर जगह लगते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। जाहिर सी बात है, एक विपक्ष के तौर पर केजरीवाल सरकार जो है आरोप तो लगाना चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआत से ये
बात जाहिर होती गई है कि सीबीआई की केंद्र जांच एजेंसी है और इसे जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से नचाती है फिर कार्य करती है। फिलहाल इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि सीबीआई किसके हाथ का तोता है या फिर किसके हाथ का मैना है। जाहिर सी बात है ये केवल केजरीवाल की तरफ से केवल आरोप लगाए गए हैं और इस आरोप को सिद्ध करने की बात बहुत जल्द सामने भी आएगी और शायद केजरीवाल इस आरोप को जल्द सिद्ध तय करते। मनीष सिसोदिया अगर बेगुनाह है तो जाहिर से बात उन्हें सजा होगी, उन्हें सजा के दौरान उन धाराओं के दौरान उन घोटालों के दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर निर्दोष हैं तो कहीं ना कहीं ये शायद बातें साबित सही हो सकती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीबीआई सरकार की केंद्र सरकार के हाथ का टोटा है। जी सागर, आम आदमी पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी तो कितनी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल होंगे, सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिए गए हैं क्योंकि एक तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होना माना ये भी जा रहा है। सीबीआई मुख्यालय को पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा के कई पैरामिलिट्री फोर्स हैं वहाँ पे तैनाती कर दी गई है और साथ ही जो तमाम जो भाजपा के जो जिला कार्यालय हैं चाहे हेड ऑफिस हो चाहे कोई भी जिला कार्यालय वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती सुबह से ही कर दी गई कहीं ना कहीं क्योंकि एक दूसरी तरफ आपको बता दूँ दिल्ली में है केजरीवाल की सरकार तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है और उनके समर्थक हैं सैकड़ों की तादाद में लाखों की तादाद में समर्थक हैं तो वहीं जाहिर सी बात है समर्थक अगर विरोध करेंगे तो एक पुरजोर स्थिति में करेंगे, बहुत ही भयावह स्थिति में भी हो सकता है। इस वजह से पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है, हर तरह को तैयार, हर परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और फिलहाल देखना ये भी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें, लेकिन फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में समर्थक रहेंगे वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे भाजपा के खिलाफ और भाजपा की नीतियों के खिलाफ। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस ने हाल ही में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली इस यात्रा की काफी चर्चा रही। अब कांग्रेस पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यात्रा निकालने पर विचार कर रही है। संभव है कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बातचीत में यह जानकारी दी है। वहीं राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच दी। राहुल ने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिडनबर्ग केस, चीन पर जयशंकर के बयान और 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, अब कांग्रेस फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है और ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक निकालने पर विचार हो रहा है। देखिए मयूरी, कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी कुछ दिनों पहले एक अपनी यात्रा समाप्त की, भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 3 महीने की यात्रा थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा थी और 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में ये की है और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता उनकी इस यात्रा में शामिल हुए। हमने देखा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इस यात्रा में शामिल हुए, कुछ बॉलीवुड के कलाकार भी इस यात्रा में शामिल हुए। सबने इस यात्रा को अपने हिसाब से सहयोग दिया, विपक्षी पार्टियों को भी इस यात्रा में न्योता दिया गया था, कुछ जगह से विपक्षी पार्टियों के विधायक इसमें गए,
तमाम बकायदा सभी विपक्षी पार्टियों को नेता भी भेजा गया था और इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि जो है अब वो पहले से कहीं बद्दी बद्दी नजर आ रही है। आप उनके भाषणों को सुनिए, आप उनके बयानों को सुनिए, जिस तरीके से एक मैच्योर राहुल गांधी उभर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती प्रदान हुई है इस 3 महीने की यात्रा के बाद, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि दोबारा से जो अरुणाचल से गुजरात की तरफ यात्रा आ रही है, जो अरुणाचल से शुरू होकर पूर्वोत्तर से शुरू होकर पश्चिम तक जाएगी, जिसमें यूपी बिहार झारखंड होते हुए भी ये यात्रा करेंगे, और जो 3 महीने की यात्रा थी इसमें असफलता उनको मिली है, देश में एक जगह उनकी सरकार भी बनी है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये यात्रा किस प्रकार से फायदेमंद रही है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए भी, तो उसी तर्ज पे जो है दोबारा से पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक एक यात्रा करने की शुरुआत पे विचार किया जा रहा है, ताकि और भी ज्यादा लोगों को जोड़े जा सके और लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा समय अब शेष नहीं रह गया है। कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, पिछले 10 सालों से वो दूर है केंद्र की सत्ता से, और इस लिहाज से देखा जा सकता है कि कितना अहम होगा, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है, देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, नगर निकाय चुनाव भी है, तो चुनावी हित साधने के लिए ये यात्रा जो है इस पर विचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस यात्रा से मजबूत हुई है, राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभर के आए हैं, और वोट अगर अगर आज के नतीजों की बात की जाए तो वोट बैंक अगर आज के नतीजों की बात की जाए, चुनावों की बात की जाए, तो वोट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। इसके बाद जब यात्रा खत्म करके वो लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा बने, तो जिस प्रकार से अपने भाषणों से उन्होंने अपनी बात रखी, अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल किए, केंद्र सरकार से सवाल किए, तो दिखाता है कि इस यात्रा से वो कितने मैच्योर बन के आए हैं। विवेक, दोबारा से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी, अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यात्रा निकालने पर विचार कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, अभी तक रणनीति का खुलासा तो कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक किया नहीं है, लेकिन ये साफ है जिस तरीके से 3 महीने की उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जो 3000 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया था, और तमाम लोगों को एक साथ चलते हुए हमने देखा है तस्वीरों में कि बच्चे भी उनके साथ जा रहे थे, हमने देखा है कि RBI के पूर्व गवर्नर भी उनके साथ थे, और इस 3 महीने की चीज में कांग्रेस ने ये बात काफी अच्छी करी कि उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका ज्यादा यूज किया, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको ज्यादा तवज्जो दी, उनके साथ अपनी कैंपेनिंग आगे बढ़ाई, और तमाम बड़े लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए, शिरकत किया उन्होंने। उसकी सफलता को देखते हुए ही पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक एक और यात्रा करने की कांग्रेस विचार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस यात्रा से उसको बहुत कुछ हासिल हुआ है, इसीलिए एक और इस प्रकार की यात्रा करने पर जोर दे रही है, जहाँ पे अरुणाचल, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए गुजरात में यात्रा समाप्त करेंगे। गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ रहा है, वहां यात्रा समाप्त हो रही है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार की रणनीति के साथ राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। 24 का चुनाव लोकसभा चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी, एक चेहरा होंगे, विपक्ष के चेहरा के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है, कांग्रेस उनको देख रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों को भी इस ओर लाने के लिए ही भरसक प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे। तो विवेक, जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कहीं ना कहीं पार्टी में जान आती हुई नजर आई, कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया, अब दोबारा से फिर एक बार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या इसका कुछ रंग देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, प्रदेश मध्य प्रदेश से लेके जहाँ भी उनकी सरकार है या फिर जहाँ उनकी सरकार नहीं है, देश के हर हिस्से में उन्होंने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में यह यात्रा निकली थी। उसके बाद यूपी आए, भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किया कि यूपी से जाके निकल जा रहे हैं, यूपी के अंदर तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली का दर्द जो उन्हें मिला हुआ है वो उन्हें सता रहा है। इन तमाम मुद्दों पे विपक्ष ने जवाब भी दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार हमलावर भी दी, और जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही थी, उस दिन सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत जोड़ो यात्रा पे काफी कुछ कहा था, राहुल गांधी पे काफी कुछ कहा था,
कांग्रेस पार्टी पे काफी कुछ कहा था, तो देखने वाली बात है कि इस बार जब पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक यात्रा आ रही है तो उत्तर प्रदेश के किन किन हिस्सों से होकर गुजरेगी, बिहार के किन किन हिस्सों से गुजरेगी, झारखंड के किन किन हिस्सों से होकर गुजरेगी, क्योंकि गृह मंत्री अभी बिहार के दौरे से आए हैं और उन्होंने वादा किया था जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो हर महीने बिहार के दौरे पे आएंगे। सितंबर में उन्होंने दौरा किया, अक्टूबर में उन्होंने दौरा किया, लेकिन अक्टूबर के बाद से वो फिर दोबारा जनवरी में दौरा करने गए थे क्योंकि उस समय चुनाव थे, हिमाचल में चुनाव था, कई जगह पे चुनाव थे जिससे उनकी व्यस्तता देखी जा सकती है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड पे भी कांग्रेस का पूरा फोकस है, इस यात्रा के दौरान इन हिस्से को भी टच करेगी, लोगों को छुएगी, लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करेगी और सरकार की खामियां और नीतियों की गलतियों को बताते हुए अपने साथ वोटर को जोड़ने का प्रयास करेगी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।